तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पॉलीमर कौन कौन से पॉलीमर होते हैं, उनके मोनोमर्स क्या है, उनके यूजेस क्या है और उनको फॉर्म करने में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में अपनों ने पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर के टाइप्स क्या क्या होते हैं ये हमने देखा था, उनकी प्रोसेस क्या होती है वो देखा था। अब इसके अंदर उन पॉलीमर्स को कौन कौन से पॉलीमर्स होते हैं और कैसे बनते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉलीमर है वो है पॉलीथीन। ठीक, अब इसमें पॉली हटा दिया जाए तो मिलेगा क्या, इथीन या इथिलीन। तो ठीक, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इथिलीन या इथीन है और फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एंड बहुत सारे CH2 मॉलिक्यूल जो है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल अगर एक लाइन में कनेक्ट होते जाए लीनियर फॉर्म में तो उसको इस टाइप से लिखेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों की वैलेंसी इंक्रीज होती है और बाहर क्या लगा देंगे, एन। एन का मीन्स होता है 10 से लगाकर इनफिनाइट तक कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ दो टाइप के अपने पास क्या है, पॉलीथिन मिलती है, LDPE और HDPE। LDPE को बनाना हो तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोरोक्साइड का यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट फॉर्म में, और HDPE में यूज करते हैं किसका, जिगलर नाटा का। ठीक, तो ये अगेन इम्पोर्टेंट है कि HDPE बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो जिगलर नाटा करते हैं। यूजेस आप बुक से भी कर सकते हैं और इसमें इसका यूज क्या है, बैग बनाने में होता है, एप्रिन टॉयज ये बनाने में किया जाता है। ठीक, पीवीसी का फुल फॉर्म पॉली विनाइल क्लोराइड होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये जो इथिलीन है इसी से अपन सब बनाते जाएंगे। इथिलीन में से अगर यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे और उसके प्लेस पे अगर क्लोरीन लिया है तो इसको बोला जाता है विनाइल क्लोराइड। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया विनाइल और CL जोड़ दिया तो हो गया क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंस इधर और एक इधर हो जाएगी। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। और कहां यूज होता है, तो प्लास्टिक के पाइप बनाने में, डॉल्स और हैंड बैग का बनाने में इसका पीवीसी का यूज होता है, पीवीसी जो पाइप्स आते हैं वो। तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, और इसका मोनोमर क्या है, तो विनाइल क्लोराइड होता है। ठीक, टेफ्लोन, टेफ्लोन का यहाँ पे जहां पे हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन को अपन क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन के प्लेस पे जो फ्लोरीन को अटैच कर देते, तो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पे क्या करेंगे, अगर फ्लोरीन को ऐड कर देते हैं तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्रा दो दो चार यानी टेट्रा फ्लोरो मेथ एथ और डबल बॉन्ड इसमें इन, तो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन या इथीन इसका मोनोमर है। और ये इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला ध्यान रखना, वैसा अगर ये ध्यान है तो बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं अपन यहाँ से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी इधर और एक वैलेंसी इधर हो जाती है और इसको ब्रेकेट में करके बाहर एन कर देते हैं। कहाँ पर काम आता है, तो जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनमें जो नॉन स्टिकी मटेरियल जो होता है, अपन देखते अपन एडवर्टाइजमेंट में नॉन स्टिकी कुकिंग वेयर्स जो होते हैं उनमें जो यूज किया जाता है उसका पेंदे में, वो होता है क्या, टेफ्लोन। तो ये तो जलता नहीं है और उसको नॉन स्टिकी बनाए रखता है। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर को क्या बोला जाता है, आइसोप्रीन भी बोलते हैं। तो ये यहाँ ध्यान रखना, नेचुरल रबर को क्या बोलेंगे अपन, आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या है, तो 1-3 ब्यूटाडाइन बना लो और सेकेंड कार्बन से CH3 जोड़ दो, तो इसका IUPAC नेम क्या हुआ, में इस दूसरे कार्बन से कनेक्टेड क्या, मिथाइल ग्रुप, तो 2-methyl, फिर फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन पे क्या है, डाई इन है, डबल बॉन्ड है, तो इसको 1-2-3-4 ब्यूट डाई इन बोला जाता है, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो शूज में, रेनकोट में या फिर बॉल्स बनाने में किया जाता है। ठीक, तो पॉलीथीन एक मोनोमर है, इथिलीन फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, दो टाइप की होती है, एक तो LDPE दूसरा HDPE। तो LDPE बनाने में किस कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो LDPE बनाने में अपन किसका यूज करते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल परोक्साइड। और HDPE बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो जिगलर नाटा
कैटलिस्ट का यूज करते हैं अपन। ठीक, नेक्स्ट था अपना पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक, इसमें मोनोमर क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, फॉर्मूला सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल होता है। और कहाँ यूज होता है, तो प्लास्टिक पाइप बनाने में यूज किया जाता है, डोल्स या हैंडबैग बनाने में, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का फुल फॉर्म। टेफ्लॉन में क्या होता है इसका, तो फॉर्मूला होता है सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू यानी टेट्रा फ्लोरो इथिलीन बोला जाएगा। और ये आग नहीं पकड़ता है, मतलब फायर रेजिस्टेंस होता है, तो इसका यूज कुकिंग गियर्स में किया जाता है, जो नॉन स्टिकी जो बर्तन आते हैं उसमें करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रबर या आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी के साथ सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू, यानी सेकेंड पे मिथाइल टू मिथाइल वन थ्री पे डबल बॉन्ड इसलिए वन थ्री ब्यूट डाई इन, ये इसका फॉर्मूला। यूज कहाँ किया जाता है, तो शूज में, दूसरा रेनकोट में, और एक और क्या है, तो बॉल्स बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, पी सी टी एफ ई। पी सी टी एफ ई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोली क्लोरो ट्राई फ्लोरो इथिलीन। पोली क्लोरो ट्राई फ्लोरो इथिलीन, ये पी सी टी एफ ई का फुल फॉर्म होता है। और उसमें मोनोमर क्या होता है, तो क्लोरो ट्राई फ्लोरो इथिलीन सी एल एफ सी डबल बॉन्ड सी एफ टू, ये क्लोरो ट्राई फ्लोरो इथिलीन होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, पॉलीप्रोपिलीन, तो इसके अंदर जो मोनोमर होता है क्या होता है, प्रोपिलीन, उसका फॉर्मूला सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये प्रोपिलीन का फॉर्मूला। और यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और बाहर है पॉलीस्टाइरीन। अगर अपन इसी एथिलीन में एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, उसके प्लेस पे सी सिक्स एच फाइव को एड कर दिया जाए, तो ये हो जाता है स्टाइरीन। और यहाँ से डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो दोनों तरफ वैलेंस इंक्रीज होगी और बाहर ब्रैकेट के बाहर एड कर देंगे पीवीए पॉली विनाइल एसीटेट। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और एक एच को यहाँ से हटा रखा है, उसके प्लेस पे अपनों ने क्या एड कर दिया, तो सी एच थ्री सी डबल यानी एसीटेट ग्रुप को एड कर दिया गया है। तो जैसे एसीटेट ग्रुप को एड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, पोली विनाइल एसीटेट। और एक अपन पी वी सी करा था पोली विनाइल क्लोराइड, तो दोनों में उधर क्लोरिन था, इधर क्या आ गया एसीटेट। ठीक, तो पी सी टी एफ ई मीन्स पोली क्लोरो ट्राई फ्लोरो इथिलीन। ठीक, और इसका मोनोमर क्या होता है, सी एल एफ सी डबल बॉन्ड सी एफ टू। ठीक, पॉलीप्रोपिलीन में मोनोमर प्रोपिलीन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। पॉलीस्टाइरीन में स्टाइरीन, यहाँ पर एथिलीन में हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे सी सिक्स एच फाइव से, तो जो बनता है फॉर्मूला सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये होता है स्टाइरीन। पी वी ए पॉली विनाइल एसीटेट सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पर एक एच को रिमूव करके क्या एड कर दिया गया है, तो सी सी एच थ्री सी डबल ओ, ये इसमें एड कर दिया गया है। तो चार टाइप के और ये हो गए, और देखते हैं इसमें और कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बाद और क्या है, तो एक और नेक्स्ट अपन देखते हैं पान। ठीक, पान मीन्स पोली एक्राइलो नाइट्रल, और इसका एक और नेम क्या है, इसको बोला जाता है ओरलोन, और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसका ध्यान भी रखना। पान मीन्स पोली एक्राइलो नाइट्रल या ओरलोन। ठीक, इसमें यहाँ पर जो एथिलीन था, एथिलीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके प्लेस पे क्या यूज करते हैं, पर सी एन साइनाइड को जोड़ देते हैं, तो इसको बोला जाता है एक्राइलो नाइट्रल। ठीक है, इसका फॉर्मूला ब्यूना रबर। ब्यूना रबर का फॉर्मूला होता है वन थ्री ब्यूटा डाई इन। ठीक, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो ये वन थ्री, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, फिर तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, इसलिए वन थ्री, कार्बन कितने, वन टू थ्री फोर, तो ब्यूट डबल बॉन्ड है, दो बार है, तो डाई और डबल बॉन्ड को बोला जाता है इन, तो वन थ्री ब्यूटा डाई इन। ठीक, और टेरेलिन और डेक्रोन, टेरेलिन भी बोला जाता है और डेक्रोन भी बोला जाता है, पॉलिस्टर होते हैं ये, तो इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई मिथाइल टेराफ्थेलिक एसिड, तो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, और इसके साथ ये जो इतना पार्ट कवर कर रखा है, इसको बोलते हैं टेराफ्थेलिक एसिड। ठीक, तो एथिलीन ग्लाइकोल
और टेरेथेलिक एसिड दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये इस टाइप से बनता है। तो ये कौन सा है? कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। और इससे ऊपर जितने भी अपनों ने देखे थे वो एडिशनल पॉलीमर होते हैं। ठीक, यहाँ से कौन सा स्टार्ट होता है अपना? तो कंडेंसेशन पॉलीमर स्टार्ट होता है। इसमें कैटेलिस्ट कौन से? तो जिंक एसिटेट और एंटीमनी ऑक्साइड, इन दो का यहाँ पर कैटेलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो पेन या पान का फुल फॉर्म पॉलीक्राइलो नाइट्रल, ये इसको ओरलोन भी बोला जाता है। फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ठीक है, क्राइलो नाइट्रल। ब्यूना रबर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 13 ब्यूटा डाइईन होता है। टेरिलिन और डेक्रोन, इसमें होता है एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा डाइमिथाइल टेरेफ्थेलिक एसिड। ठीक, इसके फॉर्मूले ध्यान रखना। ये तीन टाइप के पॉलीमर और हो चुके हैं। इसके बाद अपन थोड़े से पांच और बचे हैं, उनको अपन इसके अंदर और कैरी करते हैं। तब तक बने रहिए। इसी के अंदर अपन आप एडिशन पॉलीमराइजेशन होने के बाद अपन जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर अपनों ने एक देखा था, उसके बाद और देखते अपन कौन सा, 9166। इसमें जो मोनोमर से हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन, ये मिथिलीन कितने छे, तो हेक्सा मिथिलीन NH2 डाइएमीन, इसका फॉर्मूला एडिपिक एसिड या टेट्रा मिथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये इसको एडिपिक एसिड भी बोलते हैं। और ऊपर वाला हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन टेट्रा मिथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका मोनोमर है 9166। इसको पेरलोन भी बोला जाता है और इसका मोनोमर जो होता है वो होता है कैप्रोलेक्टम, इस टाइप से, या 1 2 3 4 5। ठीक, तो पेंटामिथिलिन एमाइड भी बोल सकते हैं इसको, ये इस टाइप से पेंटामिथिलिन 1 2 3 4 5, तो पेंटामिथिलिन एमाइड। ठीक, या कैप्रोलेक्टम बोला जाता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो इसमें नाम ही मालूम पड़ रहा है कि एक तो यूरिया होगा, सेकंड कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया NH2CO NH2, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये इस टाइप से बनता है। तो ये इसमें देखा जाए तो ये भी कौन से हैं अपने, ये एडिशनल है, और यहाँ पर ये कौन सा है, तो दो डिफरेंट टाइप के अपने पास मोनोमर है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कंडेंसेशन है, ये एडिशनल है, एंड ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, तो ये भी कौन सा है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर दो और बचे हुए हैं जो अपन इसके आगे देखते हैं, एक तो मेलामाइन और एक बेकेलाइट, ये कैसे बनते हैं, इनके मोनोमर्स क्या होते हैं वो इस वीडियो में आगे अपन देखते हैं। इसके अंदर ही अपन और देखते हैं कौन सा, बेकेलाइट को बोलते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक, बेकेलाइट का नेम क्या है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो फिनोल का फॉर्मूला ये, फॉर्मेल्डिहाइड का ये, और ये इस टाइप से पूरा एक जाल बनाता है, नेट बनाता है। तो इसमें क्रॉस लिंक्ड होते हैं, क्रॉस बॉन्डिंग होती है। तो बेकेलाइट क्या होता है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, और कौन से मीडियम में होता है, तो एल्कलाइन मीडियम में ये होता है। मेलामाइन और मेलावेयर है ना, मेलामाइन और मेलावेयर कैसे बनता है, तो इसमें मेलामाइन से बनता है, एंड सेकंड कैसे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कुछ इस टाइप का अपने को पॉलीमर मिलता है। ठीक, तो ये अपनों ने कुछ एडिशनल और कुछ कंडेंसेशन जो पॉलीमर होते हैं उनका क्या नेम है और उनके मोनोमर्स क्या है वो अपनों ने एक शॉर्ट नोट के बेस पे देखा है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद इसके कुछ जो को पॉलीमर्स होते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कुछ जनरल सी जो डेफिनेशन होती है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैरी करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और आपको अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।